एक बार मैं जब गुजरात में था तो मैंने देखा कि हमारा कॉन्वॉय जा रहा था और आगे एक स्कूटर पे बड़ा जो ट्रैक्टर का ट्यूब होता है वो पूरा अंदर भरा हुआ है, वो लेकर के जा रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं, स्कूटर पे इतना बड़ा ट्रैक्टर का ट्यूब कोई लेके जा रहा है तो पीछे आने वाले व्हीकल को डर लगता है कहीं टकरा न जाए। मैं भी हैरान था कि ऐसे कैसे ले जा रहा है। कोई भी व्यक्ति समझदार तो यही करेगा, ट्यूब खाली कर देगा और चला जाएगा और आगे जाकर के हवा भर देगा। तो ले जा रहा था, बगैर यार रोक के उसको, तो हमने गाड़ी रोकी और किसान उस स्कूटर वाले को पूछा, भाई क्या है ये, तुम क्या कर रहे हो, कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मर जाओगे। नहीं, बोले खेत जाना है। तो मैंने कहा ये क्यों ले जा रहे हो, तो बोले मेरे घर में जो घर के किचन का कूड़ा कचरा निकलता है वो, और मेरे पास दो पशु हैं उसका जो गोबर निकलता है, तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है, तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं और ट्यूब लेकर के खेत जाता हूं और खेत में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूं। आप कल्पना कीजिए, हमारे देश का किसान यानी इतना सामर्थ्य पड़ा हुआ है। आज भी हमारे किसान, गांव के लोग कुछ न कुछ नए प्रयोग करते रहते हैं। जो स्टार्टअप की दुनिया के लोग हैं वे अगर उसमें ध्यान दें तो शायद जो कभी बड़ी बड़ी कॉलेजेस से नहीं मिलता है वो खेत में किसान की सोच में से मिल सकता है।